इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। एंड लास्ट वीडियोस में हमने लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, सिंगली डबली लिंक्ड लिस्ट, ये सारी चीज़ें कवर अप करी थी। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्यू के बारे में देखेंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड क्या क्या उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सो क्यू, आप एक बेसिक, अगर मैं इंग्लिश वर्ड की मैं बात करता हूँ तो क्यू एक क्या होता है, क्यू मतलब एक लाइन, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो या कहीं पे फूड लेने आते हो, आप बिलिंग करवाते हो, तो आपको एक क्यू में लगना पड़ता है। क्यू मतलब एक लाइन में लगना पड़ता है। एंड लाइन में आप लगते तो पीछे से हो और निकलते कहाँ से हो, आगे से। सेम वही चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे भी। लेट सपोज आप एक किसी लाइन में खड़े हो, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है और एक ये बंदा है, ठीक। तो ये एक क्या है, क्यू है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो लाइन में कौन पहले आया, पहले ये आया होगा, उसके बाद में ये आया होगा, फिर ये आया होगा। इसका मतलब लाइन जो लगेगी सीक्वेंस है। यहाँ पे बीच में चलने वाला दादागिरी वगैरह के यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है। ये मत सोचो कि यहाँ पे बीच में आकर के तुम लग जाओगे, तो क्यू ये रहेगा ही नहीं। क्यू मतलब टूट गया, ये क्यू रहा ही नहीं। तो वन बाय वन लोग प्रोसेस करते हैं। लेट सपोज ये चार लोग प्रोसेस में थे, एंड पहला जब जाएगा फिर ये गायब हो जाएगा, तब इसका नंबर आएगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगा फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा। इसका मतलब आप क्या समझे, स्टैक के अंदर हम क्या मैनर फॉलो करते थे, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले लाइन में आएगा वो पहले अपना काम करवा करके निकल लेगा। सो क्यू का एग्जांपल क्या होगा, टिकटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। लेट सपोज आप एक कोई सिस्टम बना रहे हो, तो एक सिस्टम ऐसा है कि टिकट प्रोसेस होगा या फिर बहुत सारी कॉन्करेंट रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस टाइम पे कैसे यूज़ करोगे, तो क्या हो गया, ये आपका एक क्यू रहेगा। क्यू के अंदर सारी एलिमेंट्स या फिर जो भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी उनको आप स्टोर कर लोगे एंड वन बाय वन इनको प्रोसेस करते रहोगे, ठीक है। एक साथ तो प्रोसेस करोगे तो हो सकता है वहाँ पे सीपीयू इंटेंसिव ज़्यादा हो जाए, और वन बाय वन इस टास्क को प्रोसेस करते रहोगे। जैसे कि सैलरी होता है, सैलरी एक क्या होता है, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और वन बाय वन टास्क को क्या करता है, फॉलोअप करता जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। एंड क्यू के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। एक पहला जो ऑपरेशन होता है उसका नाम होता है क्या, इन क्यू। इन क्यू का मतलब हो गया किसी एलिमेंट को अंदर डालना, ओके। इन क्यू मतलब लाइन के अंदर लगना, डी क्यू का मतलब लाइन से बाहर आना। और जो आपका ये होता है, लेट सपोज फ्रंट और रियर होता है। फ्रंट और रियर का मतलब क्या होता है, फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है और लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। इससे भी हम चीज़ को चेक करते हैं कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है और लास्ट में कौन सा एलिमेंट है। सो लेट सपोज अगर फ्रंट में हमें कोई चेक करना है कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है और लास्ट में कोई एलिमेंट है, तो उसका हम इंडेक्स स्टोर कर देते हैं। जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे आपका ये आपका क्यू है एंड इसके अंदर चार एलिमेंट है। फ्रंट क्या होगा आपका, ये होगा, ओके। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फ्रंट आपका ये हो रहेगा और रियर आपका ये हो जाएगा, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, 0, 1, 2 और 3 होगी। वैसी सेम टू सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब इन क्यू यहाँ से आप करोगे डी क्यू यहाँ से, सॉरी इन क्यू यहाँ से करोगे, डी क्यू भी आपका यहीं से होगा। ये एलिमेंट यहाँ से एक एक करके बाहर आते जाएंगे और ये प्रोसेस हो जाएगा। तो क्यू एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है एंड इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, जो डायरेक्टली आपसे क्यू डेटा स्ट्रक्चर पर नहीं पूछेंगे, बट आप लिंक्ड लिस्ट या फिर इस तरीके में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एंड वहाँ पर आपको क्यू यूज़ करना पड़ता है। एंड क्यू का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बनाए, लेट सपोज हम बुक माई शो का एग्जाम्पल लेते हैं। सो बुक माई शो क्या करता था, लाइन बाय लाइन चीज़ों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट टिकट प्रोसेस करता है, या फिर आप कोई ऐसा सिस्टम बना दो जो कि बहुत ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव है, तो क्या करोगे आप, क्यू के अंदर टास्क को स्टोर कर लोगे, उसके बाद में एक एक करके प्रोसेस करते चले जाओगे, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में इसके लाइक इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं, सो हम लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट को कवर अप करते हैं यहाँ पे। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे, सो क्लास हम एक क्यू बनाएंगे एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपना, ओके। एंड इस चीज़ के अंदर कुछ सेट ऑफ चीज़ें होंगी, लाइक सबसे पहले क्या होगा, डेंडर इनिट मेथड होगा एंड सेल्फ डॉट
क्यू करके एक वैल्यू बनाएंगे, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे होगा सेल्फ डॉट फ्रंट, जो कि फ्रंट के एलिमेंट को इंडेक्स को स्टोर करके रखेगा कि फ्रंट का इंडेक्स कौन है, क्योंकि लेट सपोज हम फ्रंट में हमेशा ही एलिमेंट को नहीं स्टोर कर सकते, फ्रंट के इंडेक्स को स्टोर करेंगे। जैसे ये पॉप हो जाएगा तो मतलब हमारा क्यू यहाँ तक का बचा, फिर हमारा एलिमेंट पॉप हुआ तो फिर हमारा एलिमेंट क्यू यहाँ तक का बचा, फिर पॉप हुआ तो क्यू हमारा यहाँ तक का बचा, मतलब ये हम भूल जाएंगे कि इसके आगे भी कोई इंडेक्स, हमारा फ्रंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। सो फ्रंट आ गया, फ्रंट में हम यहाँ पे नन डाल देंगे एंड ऐसे ही क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट रियर होगा, रियर मतलब बैक साइड में, उसका भी हम इंडेक्स यहाँ पे स्टोर करेंगे। एंड ये होगी क्या, एक लिमिट ऐड करेंगे, लिमिट जो कि डिसाइड करेगी कि कितना क्यू हमारा ओवरफ्लो तो नहीं होता। लेट सपोज अगर हमने 10 का क्यू बनाया तो 10 से ऊपर एलिमेंट डालेंगे तो इसका मतलब क्यू ओवरफ्लो कर जाएगा, तो वो हम लिमिट यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद सेल्फ डॉट साइज दे देंगे जो कि क्यू के साइज़ को होल्ड करेगा कि कितना अभी क्यू का साइज बचा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास लिमिट पास करेंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एंड सेल्फ डॉट क्यू की जगह पे ये MTM लिस्ट पास कर देंगे, ओके। एंड अब सबसे पहला मेथड लिखते हैं जो अपना, जो कि अपना होगा क्या, इन क्यू का। सो इन क्यू का मेथड आपको आई होप लाइक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ओके ओके सो ये हमारा होगा कि यहाँ से एडिशन होगा, इनक्यू होगा यहाँ से, मतलब वन बाय वन एलिमेंट को हम डालेंगे। सो उसके लिए डेफ इनक्यू करके एक फंक्शन लिखते हैं, इनक्यू, और इसके अंदर सेल्फ जाएगा और हमारा क्या जाएगा, नेक्स्ट चीज़ जाएगी क्या, डेटा। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा जो सेल्फ डॉट साइज है इससे ज़्यादा तो नहीं है, सेल्फ डॉट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट सेल्फ डॉट लिमिट। अगर ये सेल्फ डॉट लिमिट के ऊपर जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे क्या, -1 की क्यू के अंदर क्यू हमारा ओवरफ्लो हो चुका है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स के बाद में कंडीशन लगाएंगे क्या, सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड एंड डेटा डाल देंगे, अपेंड कर देंगे, ओके। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इफ सेल्फ डॉट फ्रंट हम चेक करेंगे, अगर सेल्फ डॉट फ्रंट इज नन, मतलब हमें फ्रंट, इसमें फ्रंट के इंडेक्स भी तो स्टोर करनी पड़ेगी। लेट सपोज अगर हम इसके अंदर इनक्यू कर रहे हैं तो फ्रंट हमारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो उसको हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर पहली बार इनक्यू हो रहा है। तो इसका मतलब पहली बार जब इनक्यू होगा तो सेल्फ डॉट फ्रंट में नन पड़े होगा, तो सेल्फ डॉट फ्रंट इज नन, तो फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट रियर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फ्रंट इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमारा ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा। सो लेट सपोज़ अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट हमने अपेंड किया, अभी तक हमारा क्यू क्या था, एम्प्टी था, कुछ नहीं था इसके अंदर, तो वो नन था। अगर हम चेक करेंगे कि पहली बार इन क्यू फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट बनाया एंड इसका इंडेक्स हमारा डेफिनेटली ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो हमने फ्रंट में भी ज़ीरो डाल दिया क्योंकि फ्रंट में हम इंडेक्स यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करें, एंड रियर में भी हमने इंडेक्स क्या डाल दिया, ज़ीरो का डाल दिया। अगर हमने इसके अंदर दोबारा इनक्यू कॉल किया तो इसका मतलब यहाँ पे नन नहीं होगा, सेल्फ डॉट फ्रंट में क्या होगा, ज़ीरो। सो अब हम चेक करेंगे, सेल्फ डॉट फ्रंट में अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब रियर की वैल्यू हमें अपडेट करानी पड़ेगी। रियर की वैल्यू कैसे अपडेट कराएंगे, सो लेट सपोज अगर मेरे पास एक एलिमेंट कुछ इस तरीके का, अच्छा सा बनाते हैं इसके अंदर को शेप लेते हैं, ये शेप, ठीक है। सो लेट सपोज ये था हमारा एलिमेंट, ओके, पहला एलिमेंट ये था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से हमने स्टार्ट कर दिया। दूसरा एलिमेंट ऐड किया हमने, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रंट में ज़ीरो पड़ा हुआ था, अब हमें रियर की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी क्योंकि रियर अब हमारा ज़ीरो तो नहीं रहेगा, इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए, तो मतलब ये हो गया। सो अब अगर इसके अंदर एक और हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो रियर हमारा क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट तो हमारा ज़ीरो ही रहेगा। जब हम DQ करेंगे, मतलब जब एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तब हम फ्रंट को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे क्या, वन से, और रियर हमारा वहीं पे रहेगा। अब इसके अंदर फिर देखो, इन क्यू में हमें रियर को इंक्रीमेंट करना है, DQ में हमें फ्रंट को बढ़ाना है, मतलब फ्रंट अब क्या रहेगा, फ्रंट हमारा वन से स्टार्ट होगा, फिर DQ कॉल करेंगे, फ्रंट हमारा टू से स्टार्ट होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, भी कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, एल्स सेल्फ डॉट क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट साइज, ठीक है, साइज में हम ऐड करेंगे, और सेल्फ डॉट साइज
इक्वल टू प्लस प्लस इक्वल टू ऑफ वन, मतलब सेल्स डॉट साइज में ज़ीरो होगा तो पहला ज़ीरो से आ जाएगा, वन से आ जाएगा, मतलब पहली बार हमने कॉल किया सेल डॉट साइज में आ जाएगा वन। ठीक, अब हम रियर की वैल्यू हमने क्या करा दी, वन ऐड करा दी, फिर सेल डॉट साइज इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब दो एलिमेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं एंड रियर का इंडेक्स क्या है वन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड अब इसके अंदर हम कॉल करेंगे डी क्यू मेथड, डेफ डी क्यू, डी ई क्यू यू ई डी क्यू। उसके बाद में हम यहाँ पे सेल्फ पास करेंगे एंड चेक करेंगे सबसे पहले क्या इफ़ सेल्फ डॉट इज एम्प्टी करके फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा कि ये डी क्यू एलिमेंट तो है, खाली तो नहीं है, तो इज एम्प्टी करके हम फंक्शन बना लेंगे, डेफ इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट साइज इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर सेल्फ डॉट साइज हमारा लेस देन ज़ीरो है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर हमारा सेल्फ डॉट इज एम्प्टी ट्रू है, सॉरी ट्रू है, तो हम क्या करा देंगे यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे माइनस वन, क्योंकि डी क्यू अंडर फ्लो, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं तो कैसे हम करवा देंगे। एल्स हम क्या करवाएंगे, सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप पॉप कराएंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल साइज माइनस इक्वल टू वन, सेल्फ डॉट साइज हमारा क्या हो जाएगा वन, डिक्रीमेंट होगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, अब हमें चेक करना पड़ेगा इफ सेल्फ डॉट साइज इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है तब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फ्रंट भी ज़ीरो कर देंगे, इक्वल टू व्हाट, सेल्फ डॉट रियर इक्वल टू व्हाट ज़ीरो। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रियर में से एक एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रियर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट साइज। ठीक है, अब इस चीज़ को ऑब्जेक्ट बना करके इसका चेक कर लेते हैं पूरा हर चीज़ की चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं। इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल इक्वल टू व्हाट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, फिर माई क्यू, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्या क्यू करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, एंड अब इसके अंदर एलिमेंट को ऐड करेंगे। सो माई क्यू डॉट इन क्यू करेंगे, लाइक 19 को एलिमेंट को डालेंगे पहले, फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को और डाल लेंगे। सो लेट्स सपोज यहाँ पे है 45, 49, यहाँ पे 16 और यहाँ पे है 55। ठीक है, ये एलिमेंट्स को हमने इन क्यू किया एंड अब हम इसका साइज प्रिंट करेंगे, प्रिंट साइज़ के लिए क्या करेंगे कॉल, साइज़ के लिए फंक्शन एक लिख लेते हैं डेफ साइज करके, डेफ गेट साइज एंड रिटर्न करवा देंगे क्या सेल्फ डॉट साइज। ठीक है, साइज इज इक्वल टू माई क्यू डॉट गेट साइज। ठीक है, अब उसके बाद में डी क्यू कॉल करते हैं, माई क्यू डॉट डी क्यू। ओके, एंड यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं, अगर आप चाहो तो प्रिंट करना, प्रिंट माई क्यू। ओके, माई क्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक डंडर एसटीआर मेथड लिख लेते हैं जो कि लाइक चेक होता है डेफ डबल अंडरस्कोर एसटीआर एंड रिटर्न करवा देंगे क्या डॉट जॉइन str of template list comprehension, यूज करेंगे str of i for i in self dot q। ओके, और अब इसको रन करते हैं, limit equal to 10। ठीक है,
थोड़ा सा एक गैप दे देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो 1949, 16, 55 एलिमेंट हमारे पुश हुए, और उसके बाद जैसे ही हमने डी क्यू कॉल किया तो उसके बाद एक बार और इसको प्रिंट माई क्यू को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो आप देख पाओगे 1949, 16, एक सेकेंड, तो उल्टा हो गया ना, क्योंकि एक सेकेंड, सॉरी, पॉप अप ज़ीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा ना 19 को, सो उसके लिए पॉप अप ज़ीरो करेंगे। अब देखो क्या हुआ, 1949, 16, 55 लाइन में आए, उसके बाद में साइज इसका क्या था, 4 था, अब 49, 16 और 55 है, ये चीज़ है इसकी। एंड अगर हर बार चाहो तो उसकी भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, जिस तरीके से रियर और फ्रंट की वैल्यू चाहोगे तो वो भी समझ में आ जाएगी। सो ये एक इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन था जो कि हम क्यू के ऊपर परफॉर्म करवा पाते हैं। एंड अब इसके लीड कोड वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि लाइक बहुत ज़्यादा आस्क होते हैं इन इंटरव्यूज़, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पिकअप किया है, एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल अप है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूँ कि क्या कहता है। सो यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड वेयर ईच सेल कैन हैव ओनली 3 वैल्यूज, 0 रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेल, 1 रिप्रेजेंटिंग फ्रेश ऑरेंज और 2 रिप्रेजेंटिंग रॉटन ऑरेंज, ठीक है। सो ये इस इमेज को मैं कॉपी करता हूँ एंड वाइट बोर्ड में आता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ रिमूव करता हूँ। देखो ये तुम्हें 2D मैट्रिक्स दी हुई है, 1 तुम्हारा एम्प्टी सेल रिप्रेजेंट करेगा, 2 तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा एक ऑरेंज रखा हुआ है, एंड 3 रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक सेकेंड, 3 रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा, सॉरी 0, 1, 2 है, ओके। सो 10 तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे एम्प्टी है, कुछ नहीं है, 1 तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कोई ऑरेंज है, 2 रिप्रेजेंट करेगा मतलब ये गड़बड़ ऑरेंज है, मतलब रॉटन है। अब तुम्हें बताना कि कितना टाइम लगेगा इस ऑरेंजेस को रॉटन होने में, और देखो ये जो ऑरेंज है ये अगल बगल वाले को रॉटन कर सकता है, मतलब इसको ख़राब कर सकता है एक सेकेंड में इसको ख़राब कर सकता है। तो अब जब ये और ये ख़राब हो गए, ये और ये ख़राब हो गए, तो ये तुम्हारा उसी सेम सेकेंड में इसको रॉटन करेगा, उसी सेम सेकेंड में इसको रॉटन करेगा, ठीक, नीचे भी आएगा बट नीचे ऑलरेडी रॉटन हो चुका है, 4 डायरेक्शन में जाएगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक इधर, ओके। सो ये तुम्हारे सबके सब रॉटन हो गए, खाली जगह पे जा नहीं सकता क्योंकि ऑरेंज तो लेकर के आया नहीं, खाली ख़राब कर सकता है। उसके बाद में इन सब का काम हो चुका है, ये इसको ख़राब करेगा, फिर ये इसको ख़राब करेगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारा का 4, मतलब 4 बार में इसको रॉटन करेगा। पहली बार जो रॉटन किया इसने, इसको रॉटन किया, फिर ये वाला इसको ख़राब करेगा, इसको ख़राब करेगा, इधर वाला भी इसको ख़राब कर देगा, 2। उसके बाद जब ये सारे ख़राब हो जाएंगे फिर ये इसको ख़राब करेगा, एंड वैसे ही ये जब इसको ख़राब कर लेगा तो ये इसको ख़राब कर, मतलब 4 मिनट लगेंगे टोटल इन सारे ऑरेंजेस को ख़राब होने में। तो अब हमें बताना है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो हमारा बहुत सिंपल सा फंडा रहेगा, सबसे पहली बात हम इटरेट करेंगे इस लिस्ट के ऊपर एंड एक क्यू बनाएंगे। क्यू बनाया हमने ये, एंड क्यू के अंदर हम एड्रेसेस डालेंगे कि कौन कौन से एड्रेस पे अभी इस टाइम पे रॉटन ऑरेंजेस हैं। सो पहली बात हम इस लाइक इनिशियल टाइम पे हम इस मैट्रिक्स पे इटरेट करेंगे। पहले हमने इटरेट किया, हमें दिखा 0,0 पे एक रॉटन ऑरेंज पड़ा हुआ है, तो 0,0 हमने इसमें डाल दिया इस क्यू के अंदर, ओके। नेक्स्ट टाइम में हमें रॉटन करना है, रॉटन करेंगे तो इसको हमने रॉटन किया, इसको हमने रॉटन किया, अब हम 4 डायरेक्शन में जाएंगे। सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0,0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0,1, ये हो जाएगा तुम्हारा 0,2, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1,0, 1,1, 1,2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2,0, 2,1 और 2,2, ये तुम्हारा इंडेक्स होगा। तो अभी इस टाइम पे हम कहाँ पे हैं, 0,0 पे हैं, तो 0,0 में हमें 4 डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। पहली डायरेक्शन तुम्हारी क्या होगी, 0,1, ठीक, दूसरी डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी, 1,0, और हम यहाँ से 0,0 से इधर तो जा नहीं सकते हैं, ना ही हम ऊपर जा सकते हैं, तो इधर जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 1 और 0, और ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऑफ नेगेटिव ऑफ 1, तो ये दोनों डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन में हम ट्रैवल कर सकते हैं, वैलिड डायरेक्शन से, ठीक है। एंड जैसे ही हमने यहाँ पे आए तो ये तुम्हारी इसको भी हम क्यू में डालेंगे, 1,0,
और सेम टू सेम उसको भी क्यू में डालेंगे 0-1। मतलब ये और हमारे पास दो रॉटन ऑरेंजेस के इंडेक्स आ गए। अब हम इनको प्रोसेस करेंगे 0-1 को और 1-0 को। 0-1 पे जब हम प्रोसेस करेंगे तो इसमें भी चार डायरेक्शन में जाएंगे, जो कि होगी तुम्हारी नीचे। चेक करते जाएंगे नीचे कहीं खाली तो नहीं है, यहाँ चेक करेंगे, और ऊपर तो ऑलरेडी रॉटन हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम सारे ऑरेंजेस को रॉटन करते चले जाएंगे, एंड हर बार हम टाइम भी बढ़ाते रहेंगे। आई होप लाइक सोल्यूशन समझ में आया होगा कि कैसे सोल्यूशन काम करने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्यू के लिए क्यू इज इक्वल टू डी क्यू यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले बात तो टाइम लिखेंगे, टाइम एक वैल्यू बनाएंगे एंड एक फ्रेश वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। फ्रेश ऑरेंजेस तुम्हारे पास कितने हैं इज इक्वल टू ज़ीरो इनिशियल में, ज़ीरो ज़ीरो टाइम लगेगा, और फ्रेश ऑरेंजेस कितने हैं। अब उसके बाद इसकी रोज एंड कॉलम्स निकाल लेंगे। सो रोज और कॉल्स इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ ग्रिड कॉमा लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ जीरो। इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, फॉर आर इन रेंज ऑफ रोज, एंड रोज में रेंज करने के बाद में फॉर सी इन इन रेंज ऑफ, अरे यार, रेंज ऑफ व्हाट, कॉल्स। अब इस पर इटरेट करते करते अब हम चेक करेंगे क्या एक फ्रेश ऑरेंज हमें मिलता है कि नहीं। इफ ग्रिड ऑफ आर ऑफ सी इक्वल इक्वल टू अगर वन है तो हम क्या करेंगे, फ्रेश प्लस इक्वल टू वन, फ्रेश प्लस इक्वल टू वन। अब उसके बाद में चेक करेंगे क्या अगर हमारी ग्रिड जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, रॉटन ऑरेंज है। ग्रिड ऑफ आर ऑफ सी व्हाट इक्वल इक्वल टू टू, तो फिर क्यू के अंदर हम अपेंड कर देंगे उस चीज़ को, क्या आर और सी को, आर कॉमा सी, ये हमारा क्यू के अंदर अपेंड हो गया। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन करके एक लिस्ट बनानी होगी, डायरेक्शन इज इक्वल टू कौन कौन सी पॉसिबल डायरेक्शन है, 0-1 डायरेक्शन पॉसिबल है हमारी, ठीक है, और ये जो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है, फिर 0-1 नहीं पॉसिबल है हमारी, और कौन सी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, 0-1-0 और उसके बाद में -1-0, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। अब उसके बाद चेक करेंगे वाइल क्यू, जब तक क्यू है, वाइल क्यू एंड फ्रेश इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, जब तक फ्रेश उसके अंदर ऑरेंजेस हैं एंड क्यू हमारा प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, लूप करते रहेंगे क्यू के ऊपर। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेन ऑफ क्यू, ओके, इस क्यू के अंदर हम उसको रेंज करते रहेंगे, ओके। अब उसके बाद रो एंड कॉलम निकालेंगे, आर सी इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट करके मेथड होता है, जो कि इन क्यू करता है, डी क्यू करता है, सॉरी। अब उसके बाद कॉल इज इक्वल टू, अभी तो ये सही हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बार हमने रोज एंड कॉलम्स निकल के आ गए, अब उसके बाद चेक करेंगे फॉर डिफ रो कॉमा डिफ कॉल इज इक्वल इन डायरेक्शन, मतलब कौन कौन से डिफरेंस रोज एंड कॉलम्स हैं, इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू डिफ ऑफ रो प्लस ऑफ आर, ओके। सारी डायरेक्शन पे क्या होगा, पहले 0-1 हम ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 1-0 ऐड करेंगे, फिर -1-0, मतलब चार डायरेक्शन है जहाँ पे हम जा सकते हैं, -1-0 जा सकते हैं, 1-0 जा सकते हैं, और 0-1 जा सकते हैं, 0-1 जा सकते हैं, ये डायरेक्शन का मतलब हो गया, ठीक है। अब कॉल करेंगे, कॉल इज इक्वल टू व्हाट, डिफ ऑफ कॉल इज इक्वल टू सी, ओह सॉरी, प्लस सी, ओके। एंड अब चेक करेंगे क्या, इफ रो इज लेस देन ज़ीरो, अगर हमारी रो लेस देन ज़ीरो है और रो इक्वल इक्वल टू रो उसके बराबर है, या फिर कॉल इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है, कॉल या लेस देन ज़ीरो है,
और कॉल इक्वल इक्वल टू कॉल्स, या फिर ग्रिड एम्प्टी है, ग्रिड ऑफ रो ऑफ कॉल नॉट इक्वल टू व्हाट वन। इसका मतलब क्या हो गया, हम गलत डायरेक्शन, मतलब रो की अगर वैल्यू हमारी जीरो से कम निकल गई, मतलब हम इसके इस पार निकल गए, इसके हम ना तो इसके इधर जा सकते हैं ना तो हम इसके इधर जा सकते हैं। और हमें ये भी चेक करना है कि यहाँ पे कोई ऑरेंज है कि नहीं, अगर ऑरेंज है तब तो ये चीज़ें होंगी, अगर ये कंडीशन किसी भी मेट होती तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, मतलब यहाँ से ऊपर जो ऑफिस है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड ऑफ क्या रो, ग्रिड ऑफ रो कॉल इक्वल टू क्या टू कर देंगे, दैट मीन्स ये भी रॉटन हो चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, क्यू के अंदर इस डायरेक्शन को भी अपेंड करेंगे, मतलब इस वाले कोड को भी। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या रो कॉमा कॉल ग्रिड, इसको हमने रॉटन कर दिया, इसको इस वाले ऑरेंज को टू से रिप्लेस करके और क्यू के अंदर फिर से इसको अपेंड कर दिया, ए पी पी ई एन डी अपेंड कर दिया, ओके। और फ्रेश ऑरेंज को हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, माइनस वन करना पड़ेगा, फ्रेश इज इक्वल टू फ्रेश माइनस इक्वल टू वन। एंड हर बार हमें टाइम को क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा जितनी बार भी हम क्यू को प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले लूप से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम प्लस इक्वल टू वन एंड रिटर्न करेंगे क्या, टाइम इफ फ्रेश इक्वल इक्वल टू ज़ीरो एल्स माइनस ऑफ वन। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज इस ऑरेंज तक हम पहुंच ही ना पाए, ये वाला ऑरेंज अगर ना होता तो हम इस ऑरेंज तक पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब सारे ऑरेंज रोटेन हुए ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, माइनस ऑफ वन। अगर टाइम मैच कर रहा है टाइम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज अगर फ्रेश ऑरेंज तुम्हारा ज़ीरो के बराबर हो गया, अदरवाइज हम माइनस वन रिटर्न कर देंगे। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या गलत आ रहा है, एक बार कोड को वॉक थ्रू करते हैं। सबसे पहली बात, क्यू हमने बनाया, टाइम रिफ्रेश बनाया, उसके बाद में हमने रोज एंड कॉलम्स में ग्रिड ले ली, और उसके बाद फॉर आई इन रोज पे इटरेट किया, कॉलम्स पे इटरेट किया एंड चेक किया, अगर हमारा रोज और कॉलम्स वन के बराबर है तो हमने फ्रेश कर दिया वन, और ग्रिड अगर हमारा ज़ीरो है तो हमने इसको अपेंड कर दिया आर एन सी को, ठीक है, ओके। फिर डायरेक्शन हमारी हो गई, चार डायरेक्शन में हम मूव ऑन करेंगे प्लस माइनस करके, ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो कॉमा माइनस वन। उसके बाद में क्यू हमने फ्रेश किया, फॉर आई इन लूप किया, उसके बाद आर एन सी को हमने पॉप किया, फिर ऑफ दो वो बनाए इन डायरेक्शन, मतलब सारे माइनस करने के बाद में, सारे इटरेट करने के बाद में प्लस कर दिया, डिफ ऑफ रो और ये ओके, एंड चेक किया रो कॉलम है कि नहीं, इफ़ रो लेस देन ज़ीरो एंड रोज ऑफ रो इज इक्वल टू कॉलम, उसके बाद में ये तो सही है, कंटिन्यू कर दिया, फिर हमने रो कॉलम को इट लाइक रॉटन कर दिया, फिर क्यू को अपेंड कर दिया, उसके बाद ये माइनस कर दिया एंड टाइम को हमने रिफ्रेश कर दिया, अदरवाइज ओके ये हमें रिटर्न जो है ये स्टेटमेंट हमारा बाहर आएगा, ओके। ये पाइथन में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो इंडेंटेशन यहाँ पे गड़बड़ है, ग्रिड ऑफ रो ऑफ कॉलम करके नई सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ओके इसको रन करते हैं, रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और समझने के पर्सपेक्टिव से भी कि कैसे क्यू को यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। सो यूज़ केस बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब कहाँ पे क्यू को यूज़ करोगे ये बहुत अच्छा है, इस चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया गया। सो अब नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं जिसका नाम है क्यू, सॉरी ट्रीज, एंड वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवरअप करेंगे। उससे पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है इन जस्ट 6 मंथ विदाउट पेइंग एनी अपफ्रंट फी अंटिल यू गेट प्लेस, यहाँ पे आप न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो आप कहीं से भी अच्छे से सीख सकते हो, बट
जो डेवलपमेंट होता है और जो यू कैन से लाइक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो आपको न्यूटन स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल प्रोवाइड करता है। एंड तब तक आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की नहीं लग जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड कहीं भी आप लाइक आपको ऑनलाइन पढ़ना कोई ऐसा नहीं कि फिक्स आपको आ करके फिजिकली पढ़ना है। 600+ पार्टनर कंपनीज है, 7 LPN का एवरेज पैकेज है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको कोई अपफ्रंट फी नहीं देनी जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। तो डेफिनेटली आप न्यूटन स्कूल के साथ इनरोल कर सकते हो, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।